मुझे यहाँ पे चोट लगा है। सवियन बहुत अच्छा मेहनत किया है। इतने सारे लोग एक गाड़ी में आए हैं। बच्चों को भी चाहिए होगा सर ठंडा। नहीं इसके पहले भी तुम किए। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे। देखो यहाँ पे ककड़ी। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। आज है गाने का शूट और शूट से पहले अभी मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे चोट लगा है बहुत तगड़ा। इतने मार दिया ऐसे मुक्के से तो मुझे यहाँ पे चोट लग गया है। एक्चुअली ऐसा प्रिटेंड करना है, ये मेकअप है वैसे। और मेरा लुक देखो ऐसा है, मैं नीचे ऐसा पहना है ये और ऊपर ये बनियान। ये शायद लुक कन्फर्म नहीं है, अभी हो सकता है चेंज भी हो जाए। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं इतनी धूप में, कुछ कुछ बाहर का कुछ तो सीन है तो वो सब करने के लिए, उसके बाद फिर घर पे आ जाएंगे। बाहर कुछ मेहमान आए हैं और कैमरामैन लोग, तो उन लोगों को चाय देने के लिए जा रहे हैं। जाइए जाइए। अभी देखो ठीक लग रहा है तुमको? मतलब ठीक हो तुम ना? अब तुम्हें भिखारी के रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? होय रोम, इस बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं लगे यार, कितना प्यारा बच्चा है। दोनों बहन में लड़ाई थी तो इसने बोला कि मैं भिखारी बन जाती हूँ, तुम सुंदर लड़की बनो। बाप रे लड़की का, अरे हार्ट बीट क्यों तेज है तुम्हारा? बाप रे छू के देख, काहे तेज है भाई, कितनी सुंदर लग रही। अच्छा अच्छा पहला शूट है इसलिए आर्टिस्ट नर्वस हो रहा है हमारा। आर्टिस्ट का बहुत मुश्किल से फटा पुराना कपड़ा ढूंढा गया है और उस पर लिपस्टिक लगाया गया है। तो इस बच्चे को हम लोगों ने तैयार किया है। ये बच्चा भाई डर रहा है यार। आप लोगों को ये बच्ची हमारी सब्सक्राइबर है, मेरी फैन थी। हाँ। आई थी कुछ दिन पहले गिन्नी के ब्लॉग में, आपने देखा होगा। मेरा नाम क्या है और इनका नाम? सबको जानती है, आते आती मैंने सबसे पहले पूछा तुम नाम जानते हो, सबसे पहले उसने बोला शिवम भैया, इसने फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो हम शक्ल। ये दोनों बच्चे मेरे फैन हैं सबसे ज्यादा। अच्छा भाई पिछली बार पूछो, अच्छा तुम पूछ लो किसको पसंद करते हो तुम लोग सबसे ज्यादा? अच्छा आप सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो? गिन्नी दीदी। ले ये गिन्नी को, नहीं तो ये मेरी फैन है। मतलब मुझे छांट दिया तुम लोगों ने, मुझे पसंद नहीं करते हो? अच्छा मुझे बता दिया ना, पिछली बार भी अपना अपना हिस्सा बांट के आई थी, ये आई थी मुझे मेरे पास। इधर पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है, यहाँ पे भी, इधर भी, हर जगह। और मुझे भाई बहुत डर लग रहा है, अभी सब लोग लग रहे हैं मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अंदर से मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि इस तरह का कुछ मैं पहली बार करने वाला हूँ। आ जाओ इधर ही मोड़ना पड़ेगा डायरेक्ट, नहीं यहाँ से जा सकते हो। पानी भैया लोग कैसे घुसाया है शिवम को? शिवम ब्लॉग बना ले यार, गाड़ी में कितने सारे लोग हैं, रुक जाओ। गाड़ी दे दे मुझे, दे चल तू। भाई गाड़ी में जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा होकर जा रहा हूँ। शिवम यहाँ रखा हुआ है। शिवम इधर देखो, इस पे ऊपर रहे, एक बंदा जो गाड़ी में एडजस्ट नहीं हो पाया बेचारा बाहर लटका है। मैं यहाँ से बना रहा हूँ ऑलरेडी, गाड़ी में बहुत सारे लोग, गाड़ी में एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं इसलिए मुझे खड़ा होकर जाना पड़ रहा है। आदमी को सामान की तरह खींच के ले जा रहे हैं ये लोग। आगे में आप लोग इज्जत के साथ दो लोगों को बस बैठने, एक ड्राइवर साहब और एक बच्चों के पापा बस। तू ही ऊपर हट जा, गाड़ी बहुत जगह है भाई। ओ अभी 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 बस मैं वही कहने वाली थी कि तुम्हारा दोस्त बाहर। अरे भाई साहब शिवम उतर के भाग गया गधा के चक्कर में। आ जाए दोस्त बुला रहे तुम्हारे, शिवम आ जाओ तुम्हारा बड़ा भाई हूँ कुछ नहीं करेगा। आया आया तुम अपने दोस्त को छोड़ के आ गए, बेशरम आदमी। अरे हम जाएंगे अंदर जाते हैं। हेलो अरे मन्ने हटा दो ना पूजा। अब यहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग एक गाड़ी में आए हैं, इस गाड़ी से। ओ भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 13-14 लोग इस गाड़ी में बैठ के आए हैं और एक बंदा मैं भी तो हूँ जो गाड़ी के बाहर लटक के आया हूँ। भाई मुझे
मैं दूसरे लोग ओवरलोडेड पर्सन ले जाते हुए देख के हंसती थी, आज पहली बार मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। लेकिन एक ही मिनट के लिए ज्यादा था, एक से दो मिनट। और फिर गाड़ी में जगह था, हम लोग तीन लोग और एडजस्ट कर सकते थे, खुशी खुशी है ना। सुनो, एक बाइक पे चार, जैसे हिंदू होते हैं तो वो चार ही होते हैं ना, तो चार को रखते हैं एक बाइक पे, एकदम ऐसे सिर्फ झूलते हुए बैठेंगे। गिनो ना कितने लोग हैं। तो ये लोग हैं उधर उस डायरेक्शन में, ले ले जा, तू ही लेके जा। तो गरीब शिवम का अपना रोल कंप्लीट हो चुका है। नहीं, इसके पहले भी तुम किए थे? नहीं, ऐसा डायलॉग मेरा कभी भी नहीं था, ये पहली अच्छा डायलॉग वाली। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे शूट के लिए। तो आज बहुत मजा आ रहा है, मेरा तो पूरे बॉडी में धूल 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 हो गया, पूरे बॉडी में धूल धूल। हमको खुद अभी एक्ट करना है, साला हम बहुत गंदे लग रहे हैं। हां तो तुम छाता ले लो ना, तुम्हारा छाता गाड़ी में क्यों रख दिया? रख दिया मैंने, तो ले लेते ना। अभी हम लोग अभी रोड पे थे, अभी हम लोग अपने दूसरे खेत में आए हैं, और इस लड़की को नहीं आना चाहिए था क्योंकि इसको खुद से करना है। अभी पूरे वीडियो में तो ऑलमोस्ट यही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आ रही है। तो फिर तुम्हारा परसों तक शूटिंग कंप्लीट होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ है द पूजा कैमरामैन। पूजा डायरेक्टर है। हाँ, वो अच्छा डायरेक्ट कर रही है, लेकिन तुमको पसंद नहीं आ रहा। हाँ। तो ये है हमारा खेत जहाँ पे काफी दिनों के बाद हम लोग विजिट कर रहे हैं। बाप रे गर्मी यार। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने हमारा बहुत साथ दिया, इसलिए हमारा फर्ज बनता था कि हम उनको अपनी गाड़ी में उनके कम्फर्ट के हिसाब से ले जाए। तो शिवम को मैं बोली कि मतलब बाहर अगर खड़ा रहते हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे साथ बैठ जाओ, बच्ची को गोद में ले लेना। लेकिन शिवम अंदर बैठा नहीं, क्योंकि शिवम नहीं चाहता था कि लड़कियां जो हैं छोटी बच्चियां उनको अनकंफर्टेबल सा फील हो। दोबारा तुम हैरस हो चुके हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? बैठने का जुगाड़। शिवा वहां कीड़े काट लेंगे, बिच्छू मार देगा बैठोगे तो। उधर कीड़ा था अभी बगल में, बैठो ना तुम, उसके बाद कूदना चालू करोगे दो मिनट में। तुम लोग मेरी चुगली कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, पागल हो गया, खुलेआम थोड़ी करेंगे, घर में चुप के करेंगे। नहीं, आवाज तो वहां तक मुझे आ नहीं रही थी ना। तुम लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। नहीं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। मैंने क्या बिगाड़ दिया भाई? बहुत जल्दी हम लोग फिर अभी ना, एक्चुअली हमारे पास कैमरा है, लेकिन कोई ना DSLR पकड़ने वाला नहीं है कैमरा, इसलिए हम लोग को कैमरा मैन हायर करना पड़ रहा है। होपफुली अभी एक महीने के बाद जो भी हमारा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो हम लोग खुद ही करेंगे। इसे यहाँ धूप और मौसम के खराबी के कारण सब लोग हैरस फील कर रहे हैं, नहीं जबकि मुश्किल से 15 मिनट आधा घंटा हुआ होगा हम लोगों को यहाँ ठहरे हुए। सबको प्यास लग गई है, और छोटे छोटे बच्चे बेचारे नन्हे मुन्ने से कोमल कोमल से मुरझा गए हैं। हाँ, और बड़ी बात प्लान तो कर लिया, बहुत गलत समय चूज किया है गिन्नी ने ये, क्योंकि उनको बच्चों को बुलाया था तो उसको बताना चाहिए था कि बच्चों को बुलाया है। बच्चों को धूप में थका के अभी सामान छोड़ दी थी घर पे, लेके आ रही है। ठंडा ही है, उतना ही ठंडा था। जिसको जो पीना पिलो, बच्चों को भी चाहिए होगा शायद ठंडा। वैसे बच्चों के लिए इन लोगों को नॉर्मल पानी है बोतल में, हम ला देंगे बच्चों वाला पानी है गाड़ी में। छोटा वाला है ना, उसमें पानी है ना। वो पानी मत देना। कौन सा पानी? बच्चों वाला है वो, बच्चे ठंडा नहीं पिएंगे, पीते हैं शायद। थोड़ा सा डाल दो, आधा मिला दो। मशीन दिखाओ जरा हमको, क्या बाहर का टेंपरेचर के हिसाब से पानी होगा वो। अच्छा, ठंडा पानी मना कर दिया मंगल। अरे ये हैरस हो गई, लड़की के चेहरा सच में अब लग रही है बिल्कुल गरीब। परफेक्ट एक्टर है अपनी। शिवम, अब तुमको मेजर रोल मिला है समझे, तो उसी हिसाब से अपना चार्ज पे करो। तो गिन्नी पांडे प्रोडक्शन के ऊपर मुंह क्या, सारा रोल तुम इस लड़के से करवा के। बोल नहीं पा रहे हैं एकदम बिल्कुल भी, मतलब मत करो परेशान मत करो। पहले तो कुछ था ही नहीं, मैं तो हुई ही नहीं इस गाने में। ओ तुमसे आज डिसाइड हुआ है कि मैं हूं इस गाने में। इस लड़की ने कितनी चालाकी की ना, मुफ्त में तुमसे सारा एक्टिंग करवा लिया है। मेन लीड आर्टिस्ट का रोल है तुम्हारा इसमें। दो शिंपान को तुमको होगा, हम नहीं कर पाएंगे अपना, देखना मेरा कितना गंदा काम करेंगे हम।
हमारी जूनियर आर्टिस्ट एक्शन मोड में। ये हमारी जो हीरोइन है देवी माता, वो यहाँ बैठी मस्ती कर रही है देखो, और वो बहुत मैच्योर है। पहले उस पीले वाले पे बैठी थी, बैठ के आगे का जमीन साफ की, उसके बाद मंगल ने ये ब्लैक वाला दिया, इस पे बैठी, अब ये दूसरा जमीन साफ किया है इसने। इस ये जो रोल कर रही है वो रोल मैं इसको देने वाली थी। कितना तक हुआ? और ये बैठ के यहाँ पे खेल रही है। हाँ हाँ बोलो। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, वैसे दोनों इसी ने किया है। बाप रे ये क्या कीड़ा है, देखो जा रहे हैं कैमरे की तरफ। तो फाइनली यहाँ का शूट हमारा हो चुका है डन, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। इस बच्चे ने बहुत मेहनत किया, तो आप लोग इसके लिए ढेर सारा प्यार लिख देना। तो यहाँ का ना हमारा हर चीज़ हो चुका है, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। चलो बेटा सब कुछ हो गया ना। हाँ। चलो हाय कर दो सबको, सभी ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, हैक किया है। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है, बच्चे थक गए हैं बहुत ज्यादा। बच्चों को रास्ते में कांटा लग गया था, इसलिए मैंने सव्या को पीछे ले लिया ताकि इसको कांटा ना लगे। पता है ये बच्ची पहले भी आई थी ना, लेकिन मैं नहीं मिला था तब, तभी तो हमने इसको पसंद कर लिया जब ये हमारे। हाँ गिनी ने बोला कि तभी एक बच्ची है, तुम शिवम मिलना ऐसा करके, तब मैं था नहीं, मैं मैसूर गया हुआ था इस टाइम। वैसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आते हैं जो जिनके प्यारे से बच्चे हैं, लेकिन इसे बातचीत करके हमें समझ में आया कि ये बच्ची वो कर सकती है जो हम चाहेंगे। हाँ, ये जो हमको चाहिए था वीडियो बनाने में, बनवाई थी हमको बोल के कि मुझे ब्लॉग में लो। पता चलो बैठो बैठो मतलब अच्छा चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ का टेम्परेचर है लगभग 36। इसका हाथ देखो, पूजा का हाथ पूरा पसीने से एकदम वो हो गया है। आज काफ़ी मज़ा आया भाई, ये ना हम लोग क्या शूट कर रहे हैं, एक गाने का शूटिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्लान्ड था। वैसे ये तो था कि आज गाना शूट होने वाला है, लेकिन उस गाने में मैं करने वाला हूँ कुछ, वो मुझे नहीं पता था। तो इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं था, जो भी था ऐसे ही कर दिया बिना प्रिपरेशन के, और बाकी देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे देखो पूरे पेड़ में ना वो है, हमारे यहाँ सहजन बोलते हैं, वैसे इसको इंग्लिश में ड्रमस्टिक बोलते हैं, ये सब्जी। हैंडपम्प भाई बड़े नहीं दिनों बाद मिल रहा है, बहुत दूर नहीं था, बस मुश्किल से 20 कदम दूरी बिठाना। हाँ। हम लोग तरफ इसके लिए। ओ। चलो तुम पीना है। अबे चल ही नहीं, इतने कड़क है। मैं बस चले नहा ली क्योंकि मैं पागल हो चुकी हूं गर्मी के मारे। हम सभी का यही हालत है। बस रुको, मैं पीऊंगी धीरे धीरे। पियो पियो। बहुत टेस्टी है पानी। ओ भी इतना पानी था क्या? चलिए चलिए सब लोग बैठे गाड़ी में, चलिए भैया हम लोग जा रहे हैं चिकन शॉट्स के लिए घर पे, मतलब अब तो घर पे जो भी है घर पे। हाँ बैठ जाओ, इसको दे दो, मुझे दे दो। मगर जल्दी चालू करो एसी यार, दूर हाथ कट जाएगा, टूटा हुआ है ये। ये देखो, तुम तो धोखा दे देती बेटा शिवम, ब्लॉग में भी नहीं बताना चाहिए था कि दो है ये। लोग नहीं समझते, ये दो है, धूम थ्री है, ये धूम थ्री चल रहा है। बहुत मुश्किल से खोजा है मैंने ऐसा बच्चा, खोजा नहीं है, माता रानी की कृपा है कि ये बच्चा मेरा सब्सक्राइबर है। खुद चल के आया, खुद चल के आया, कुछ दिन पहले ही कुछ ये देखो अभी अपने खेत पे काम चल रहा है, वहाँ पे बोरी वगैरह दिख रहा है ना, पूरा अभी काम चल रहा है, अभी हमको यहाँ पे ही आना था, यहाँ पे काम शुरू हो गया यहाँ पे। हाँ देखो वहाँ पे लोग हैं। ना 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 ना, ना, ना चलो सीधा चलते हैं, इतना ताकत नहीं है। उसको मजा आ रहा था यार।
एक देखो धूम थ्री में, एक यहाँ है समर, और ये क्या था यार समर और क्या नाम था, मैं नहीं 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 यार धूम थ्री में था ना, दोनों हमसे गलत है समर और समीर नहीं यार पता नहीं कुछ तो था। ये देखो दोनों का चेहरा लगभग एक जैसा है, बस उम्र का अंतर है थोड़ा सा, हाँ एज का थोड़ा सा फर्क है। चलो चलो आ गए हम लोग, चलो अभी ना हमारी देवी जी को तैयार किया जा रहा है और इनको तैयार कर रही है मम्मी। अभी शाम का 4 बज रहा है, आई थिंक 4 ही बज रहा है लगभग, और मैं नहा वहा के आ चुका हूँ और बाकी कैमरामैन भैया लोग सब लोग यहाँ पे हैं और बहुत तगड़ा गर्मी है और नीचे बच्चे हैं, देखो नीचे बच्चे हैं। तो अब देखो अब हमारे यहाँ आम का साइज़ क्या हो गया है, ये एसी भाई इतना खर खर कर रहा है अभी, लेकिन ये खाने लायक तो नहीं हुआ होगा, खाना है आम। चलो अभी देखो मेरे उंगली पे देखो मजा आया तो देखो देखो तो यहाँ पे हम लोग आए हैं भैया है, कुछ और सीन लेने के लिए। यहाँ पे तो देखो कोई पहले से ही है, बुकिंग यहाँ पे पहले से है भाई साहब, बुकिंग बहुत जबरदस्त है इधर। आई कांट बिलीव कि मेरे सामने ये ककड़ी का खेत है, चारों तरफ देख रहे हो ककड़ी, देखो यहाँ पे ककड़ी, मैं जिंदगी में पहली बार मैं ककड़ी फला हुआ देख रहा हूँ और इतने ज्यादा क्वांटिटी में, देख रहे हो पूरा पूरा खेत जो है ककड़ी का ही है और यहाँ पे गिन्नी का देखो चल रहा है शूटिंग। अगर इस लोकेशन पे पूजा मैडम होती ना तो पगला जाती। अब हम लोग एक बार यहाँ पे देख चुके हैं ना कि ककड़ी है, तो अभी दोबारा हम लोग आएंगे यहाँ पे स्पेशली इस चीज के लिए। ये देख रहे हो इतना छोटा है, थोड़ा थोड़ा भाई अच्छा खासा ककड़ी मिला और भाई एकदम ताज़ा है, हमने खेत से तोड़ा है। अब इस ककड़ी को खाएंगे हम लोग नमक के साथ, बहुत तगड़ा लगने वाला है। तो मैंने सुना था कि ककड़ी वगैरह जो है ककड़ी खीरा सोन नदी के किनारे होता है, या मतलब रेतीली मिट्टी में होता है कोई भी नदी के किनारे, तो मैंने आज पहली बार देखा भी ये चीज़। और भाई यहाँ वाला जो होता है ना कोई भी सब्ज़ी, एक्चुअली यहाँ पे लौकी तोरी और भी बहुत सारा सब्ज़ी है, तो उन सब में ना खाद वगैरह मतलब मैन्योर वगैरह डलता नहीं है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। तो अभी हम लोग सारे भाई बहन दोबारा आएंगे यहाँ पे। तो इन बंदर लोग के चलते ना ककड़ी छुपाना पड़ गया, देखो गमछे में छुपा लिया है ककड़ी, नहीं तो ये बंदर लोग अटैक कर देंगे ककड़ी देख के। और अभी मुझे मोबाइल भी रखना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मोबाइल के ऊपर भी अटैक करते हैं। तो अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, वो अभी भी सारा काम चल ही रहा है बाहर, शूटिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है और अभी काफ़ी लेट हो गया, वीडियो डालने में हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, बाकी आप लोग एडजस्ट कर लेना। और ये जो वीडियो अभी बन रहा है वो आएगा होपफुली कल या परसों हमारे म्यूजिक चैनल पे, तो ठीक है वो वाला देख लेना। आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ, ये वीडियो करते हैं इस बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।